Assalamu alaikum my dear students. I am your teacher Raja Tahir, teacher government UPS Valram Mawar and this is class 7th and uh, subject is science and uh, topic is heat and we are doing the exercise part of this chapter and so far we have done four questions of the exercise portion of this chapter that is heat and today we will do uh, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्कस व्हाई वेयरिंग मल्टी लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस warmer than wearing just one thick piece of clothing सवाल ये है कि हमें जैसे कि हमने हमने समझा भी इस चैप्टर में आपने आपको समझ आया होगा सवाल है कि क्वेश्चन है कि हम जो विंटर में यानी कि जो ठंडी के मौसम में हम काफी का जो कपड़ों की जो लेयर्स से कपड़ों के मतलब एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा दूसरे दो तीन कपड़े हम लगाते हैं तो उसके जो जो लेयर्स फिर एक दो तीन दो तीन चार लेयर के कपड़े हम पहनते हैं तो हम क्यों पहनते हैं तो जो हमें बैद में गर्म रखता है तो किस किस लिए किस तरह हमें ये फिर गर्म रखता है क्योंकि आपने समर में देखा होगा समर में हम सिर्फ कुर्ता पैजामा या टी शर्ट या ट्राउजर ही लगाते हैं यानी कि एक ही लेयर का कपड़ा पहनते हैं जो एज कंपेयर टू तो विंटर में हम दो तीन लेयर के कपड़े पहनते हैं तो ये हमें गर्म रखता है हमें एक्सप्लेन करना है ये कैसे हमें गर्म रखता है तो ये इस सवाल का हम जवाब देंगे तो इसका जो आंसर है वो हम इस तरह देंगे मोर लेयर्स ऑफ जो क्लोदिंग

कपड़े लगाते हैं दो तीन दो चार लेयर के कपड़े लगाते हैं यानी हम अंदर से टी शर्ट लगाएंगे उसके ऊपर स्वेटर लगाएंगे उसके ऊपर कोई और या, या शर्ट लगाएंगे उसके ऊपर स्वेटर लगाएंगे स्वेटर ऊपर के हम फिर लगाते हैं तो ये दो तीन लेयर का जो लेयर के कपड़े बनते हमें फिर गर्म रखते हैं हमें इसलिए हम इस गर्म रखते क्योंकि ये जो हवा होती है एयर जो होती है जो इन लेयर्स में ट्रैप हो जाती है बंद हवा जो इन में ये बंद हो जाती है तो इसे क्या होता है क्योंकि हवा जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट तो इट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप तो ये फिर क्या हो जाता है जब ये हवा इसमें फंस जाता है तो ये हीट को बाहर भागने नहीं देता है जिससे हमारी बॉडी गर्म रहती है तो ये तो हो गया इसका आंसर देन इट इज क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स रादर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज लुक एट फिगर फोर पॉइंट थ्री मार्क वायर द हीट इज बींग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन बाय कन्विक्शन एंड बाय रेडिएशन क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे तो आपको ये है इसमें कोई मार्किंग नहीं किया हुआ है सिर्फ फिगर बनाया हुआ है अब हमें अब ये कहना है कि यहाँ पे एक uh, बर्तन रखा गया है इसके साथ ए, तो एक स्टोव के ऊपर बर्तन है और स्टोव जल रहा है तो हमें यहाँ पे दिखा मार्क करना है कि इस प्रोसेस में इस यहाँ पे हीट जो है हमें कंडक्शन पे हीट ट्रांसफर जो कंडक्शन के थ्रू किस जगह पे हो रही है हीट कन्वेक्शन यहाँ पे एक पानी उबल रहा है तो हीट का जो कन्वेक्शन वो कहाँ पे और रेडिएशन कहाँ पे होती है वहां मार्क करना है बस आपको सिर्फ मार्क करना है आपको लिखना है इसको इसको मार्क करना है कहाँ पे क्या कौन सा प्रो, किस प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है तो मैं आपको समझाता हूँ इधर डायग्राम मैंने बनाई है आपके लिए तो आई विल शो यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू तो ये देखिए यही डायग्राम मैंने इधर हाथ है हाथ से बनाई है यहाँ से कलम से ये देखिए यहाँ पे ये स्टोव है ये जल रहा है इसके नीचे तो ये यहाँ से हीट इसको लग रही है तो इस बर्तन में जो है पानी उबल रहा है देखिए बॉइलिंग वाटर है तो क्या है तो ये जो ये वाल जहाँ पे जो पानी उबल रहा है यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये कन्विक्शन से बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन यहाँ पे हीट कन्वेक्शन होती है मैंने आपको समझाया भी है कि लिक्विड में कन्वेक्शन के थ्रू खासकर वाटर में कन्वेक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर होती है तो ये या हॉटर एंड टूवर्ड्स कूलर एंड ऐसे नीचे पे यह, जब इस पतीले को नीचे से जो हीट मिल रही है तो पानी जो जो हॉटर मालिक्यूल साइड तो वहाँ का जो अप अपर वाला जो ऊपर वाला पानी है यह गर्म हो जाता है तो इस प्रोसेस को मैंने आपको समझा है तो वो हीट कन्वेक्शन से ही होता है तो इस डायग्राम में हम ये उबलता हुआ पानी जो यहाँ पे है इसको हम मार्क करेंगे कन्वेक्शन तो यहाँ पे हीट कन्वेक्शन से ए, के थ्रू हीट ट्रांसफार्मर हो रही ट्रांसफार्मेशन हो रही है ये तो हो गया ये तो फिर देखेंगे हमें कंडक्शन पे होती है हीट कंडक्शन तो वो यहाँ पे होती है जो इसकी जो डंडी है स्टील की क्योंकि जब इस बर्तन को इधर गर्मी लगती है तो यहां से फिर हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो हीट ट्रांसफर हो जाएगी अगर जहाँ पे ये डंडी इसकी गर्म हो जाएगी तो ये कंडक्शन के के थ्रू होती है ये तो हो गया अब इसको हम यहाँ पे कंडक्शन मार करेंगे हो तो देन जो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो जो पतीला अब गर्म हो गया यहां से अब आप देखेंगे इसकी गर्मी आप यहां से महसूस यहां से निकलेगी इधर की तरफ और जो यहां से गर्मी निकले वो भी यहां से फैल जाएगी इधर की तरफ ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस इसे हम रेडिएशन कहते हैं तो यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है तो इस फिगर में तीन तरह से हीट की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वन इज फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन दैट इज व्हेन दाउ दिस वाटर इज बॉइलिंग तो यहां पे जो ये जिस इस हैंडल के पास जो हीट वो हीट कंडक्शन के थ्रू पास ऑन हो रही है ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ से जो जो टेम्परेचर जो बाहर निकल रहा है तो यहाँ से वो हीट रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो दैट वाज द फिगर विच आई एक्सप्लेन यू एंड यू हैव टू मार्क दीज थिंग्स इन ऑन दिस फिगर जस्ट लाइक दिस इसी तरह आपको मार्क इस पे करना है तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स देन इट इज क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन इज इन द प्रोसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स हाउस वाइट एक्सप्लेन कहते हैं कि जो जहां पे हॉट क्लाइमेट हो जहां पर ज्यादा टेम्परेचर रहता हो जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती हो चालीस पचास पैंतालीस पचवंजा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तो वहां पर एडवाइज की जाती है नस्त की जाती है कि आप अपने देवारों के जो कलर हम बाहर करते हैं वो ज़्यादातर व्हाइट करते हैं वो लोग वाइट कलर व्हाइट पेंट चढ़ाते हैं क्यों तो सीधी सी बात है मैंने आपको एक्सप्लेन की भी किया है इसका जो आंसर है क्योंकि जो इन जगहों पे इसलिए ये एडवाइस किया जाता है वाइट पेंट करने के लिए क्योंकि हमें पता है कि जो वाइट कलर है ये लीस्ट एब्जॉर्बर है हीट का यानी वाइट कलर एब्जॉर्ब लीस्ट हीट एज कम्पेयर टू अदर कलर्स अदर डार्क कलर्स जैसे ब्लैक ज्यादा एब्जॉर्ब करता हीट एज कम्पेयर टू व्हाइट तो वाइट कलर जब हम करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करता हीट काफी इसमें रिफ्लेक्शन होती हीट वापस देता है ये ये हीट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता इसीलिए जब ये हीट कम एब्जॉर्ब करेगा अगर हम वाइट पेंट करेंगे मकान पे तो वो अंदर से उसको गर्मी में थोड़ा ठंड ठंड ठंडक का महसूस होता है ठंडी महसूस है तो उस मकान को ठंडा रखने के लिए उस जगह को ठंडा अपने रूम्स को ठंडा रखने के लिए वहां पे एडवाइस किया जाता है उन एरियाज में कि आप वाइट कलर अपने कलर इस मकान पे कीजिए तो ये तो इसका रीजन हो गया तो वी कैन सी इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज कैन बी पेंटेड वाइट बिकॉज बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट बैक वाइट कलर बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट बैक मोस्ट ऑफ हीट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट एज वाइट इज अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट दिस हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन आपको मैंने समझा तो देन इट इज क्वेश्चन नंबर एट है वन लीटर ऑफ वाटर एट थर्टी डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद वन लीटर ऑफ वाटर एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी तो यहाँ पे चार आंसर आपको दिए हुए हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस डी पार्ट है बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस अगर हम एक लीटर पानी को जो जिसकी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा इसको हम मिक्स करेंगे दूसरे एक लीटर पानी की जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो जो ये दो लीटर का पानी जो मिक्सचर हो जाएगा इसका टेम्परेचर क्या रहेगा तो ऑब्वियसली बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस तो इसका जो डी पार्ट है ये करेक्ट है तो ये इसका ये जो मिक्सचर रहेगा वो यही रहेगा थर्टी डिग्री एंड फिफ्टी डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर रहेगा

सी uh, फ्लो uh, water वाटर टू आयरन बॉल एंड डी decreases द temperature ऑफ बोथ डिक्रीज द temperature ऑफ बोथ uh, तो इसमें जो है बी uh, पार्ट जो है वो इसका सही जवाब है नॉट फोलो चूंकि आयरन बाल और वाटर का टेम्परेचर बराबर है चालीस चालीस डिग्री तो सिंपल सी बात ना टेम्परेचर उधर जाएगा ना इधर जाएगा तो डी बी पार्ट जो है बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है ना टेम्परेचर बाल की तरफ जाएगा और ना वाटर से बाल की तरफ आएगा देन इट इज क्वेश्चन नंबर टेन दैट इज ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट इज अदर एंड एक uh, लकड़ी का स्पून हम एक आइसक्रीम में डुबो देंगे तो कहते हैं कि जो उससे क्या हो होगा उसका जो दूसरी डंडी वाले हिस्सा उसको बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन डज नॉट बिकम कोल्ड तो इसको जो आंसर है वो है डज नॉट बिकम कोल्ड क्योंकि आ, वुड इज अ बैड कंडेक्टर ऑफ हीट वुड में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो डी पार्ट है डज नॉट बिकम कोल्ड इसका जो डंडा है वो कोल्ड नहीं होगा ठंडा नहीं होगा दैन इट इज लास्ट लास्ट क्वेश्चन दैट इज स्टेनलेस स्टील पैंस आर यूजअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स द रीजन फॉर दिस कूड बी दैट कहते हैं कि आपने अक्सर देखा कुछ बर्तन स्टेनलेस जो स्टील है आजकल उसके जो बर्तन आते हैं उसको कॉपर बॉटम दिया जाता है तांबे का बॉटम लगाकर होने की उस जिसको उसका जो तलवा होता है वो कॉपर का दिया होता है आप हमें बताना है क्यों इसको ये रखा जाता है इसका जो आंसर है वो एक्चुअली जो कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील क्योंकि कॉपर जो होता है ये जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू तो स्टील और हीट इसमें ज्यादा ट्रांसफर होती है क्योंकि हमें यूटेंसल हम ज्यादा से ज्यादा वही प्रेफर करें जिन जिसमें हमें ज्यादा जल्दी से जल्दी खाना तैयार आ जाएगा और जो जल्दी जल्दी हीट पकड़ लेते हैं तो कापर उससे स्टील से ज्यादा बेटर है उस मामले में इसीलिए आपने देखा हो कि जो कुक्स होते हैं ये वाजशान् तम त्राम बान ज्यादा इस्तेमाल कम डिमांड क्या त्राम हीट अप जल्दी गये अल्दी तैयार गये असल तैयार सा तो दैट्स वाई आई थिंक दिस इज द रीजन फॉर देट सी पार्ट जो इसमें इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील तो इसका आंसर हो गया सो विद दिस वी कंप्लीट ऑल द गिवन क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज हीट वी कंप्लीट टुमारो एंड मीन टू से न्यू Chapter a new topic. Uh, till then, it is a uh, goodbye from me with the with the advice that uh, uh, we are monsters If you need to go outside your home, wash your hands thoroughly, a couple of times a day. Use hand sanitizers. Avoid the social gatherings. Keep social distance. These things will help you to avoid contamination of this deadly coronavirus. And uh, tomorrow, I mean, in next class, we will meet again. Again, till then, goodbye. rahmatullahi wa barakatuh